खबर रीवा जिले से है, जहां अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं यह तो आए दिन देखने को मिलता है। अब खुलेआम चुनौती देते हुए वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अतरैला गांव का है, जहां फूलमती प्रजापति के घर के सामने रखी धान की फसल पर आधा दर्जन लोगों ने आग लगा दिया, जिसके चलते धान की फसल जहां जलकर राख हो गई, वही घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उक्त घटना को अंजाम देकर भागते फूलवती प्रजापति ने अपनी आंखों से देखा है। वारदात को अंजाम देकर भागने वालों की पहचान सीबी सिंह, आजाद सिंह और संदीप सिंह के रूप में की है। दरअसल 24 तारीख की रात करीब 10:30 बजे आरोपी शराब के नशे में पहुंचे थे और धमकी दे रहे थे, जिसका वीडियो पीड़ित परिवार ने बनाया था। उसी समय धमकी देकर चले गए थे। बताया जाता है कि विश्वास साकेत और हीरालाल साकेत के घर में भी आग लगाई गई तथा गोली मारने की धमकी दी गई है। आगजनी की वारदात से परिवार दहशत में है। उक्त वीडियो देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से सरहंगों के हौसले बुलंद हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक गोली चलाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित के द्वारा उक्त मामले की शिकायत नईगढ़ी थाने में की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि आरोपियों पर पुलिस कार्यवाही करती है या मामले को रफा दफा कर देती है। अब आएगा उनका मेन सिस्टम आ गया, इतना गोली चली मादर चो नहीं थे, दना दन दना दन कहा बताइए। अब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं समझदार हमें, छोड़ दी और ध्यान रखे है, ठीक करे तू अपना जिंदगी में आ जाएगा, कोई बात नहीं। राजपुर भैया ये सब उचित नहीं हमारे ख्याल से। अरे वो ही काम का भैया, और हमारे वो ही का, और हमका हो के दिक्कत नहीं है, अपना अपना सोची सब राज में तू दिन बाद अपना अपन सोच नहीं और बना ले, बना दो हमारे की तो कभी डोन भाई बना ले और बना ले जिलन कहन है कि रिकॉर्डिंग चालू कर दी।